राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर हमीरपुर में विधायक नरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में प्रभात फेरी निकाली गई तथा प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। सुबह करीब 6 बजे गांधी चौक से आरंभ हुई ये प्रभात फेरी मुख्य बाजार से टाउन हॉल, बस स्टैंड और नदौन चौक से गुजरते हुए वापस गांधी चौक पर आकर सम्पन्न हुई। गांधी चौक पर श्रद्धांजलि समारोह एवं प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई, जिसमें विधायक के अलावा एडीएम जितेंद्र सांस्ता, एसडीएम डॉक्टर चिरंजीलाल चौहान, सहायक आयुक्त राजकृष्ण ठाकुर, जिला सूचना अधिकारी विनोद गर्ग, कांगड़ा प्राथमिक कृषि विकास ग्रामीण बैंक के उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य कर्मचारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान बापू के प्रिय भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। आज 2 अक्टूबर का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ और आज जो हम फ्री इंडियन हैं, हर जगह फ्री मूवमेंट करते हैं, इसका सबसे बड़ा योगदान जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का रहा है। आज के दिन मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तथा जो उन्होंने एक स्वप्न लिया था कि हमारा भारतवर्ष कैसा होगा, हमारी वर्तमान की सरकार और जो पीछे सरकारें रही हैं वो सोरा आगे अग्रसर हो रही हैं और आने वाले समय में जो उनका एक स्वप्न था डेफिनेटली वो पूरा होने जा रहा है। मैं आज के इस शुभ दिन पर इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मुख से बोलो सीताराम, हाथों से करो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम।